जिस जगह बॉल लगी जो इंपैक्ट हमने देखा उधर से नेक्स्ट टाइम उसका नजर आता है, ये रिप्ले हमें स्लो मोशन में मिले हम क्लियरली देख सकते हैं कि नेक्स्ट टाइम पे आपको नजर आता है। नहीं हो रहा अपने बाप को नहीं गिराने बच्चे को खाली है नहीं क्या दूं मैं क्या दूं इनको कहां निमाज पढ़ाओ। पाकिस्तान के साथ आपने पूछा गलत क्या हुआ, पाकिस्तान ने ठीक क्या किया उस वर्ल्ड कप में, पाकिस्तान ने जो बोया था वो काट लिया। इसको आइदर वे करें, या तो अगर आउट रखना है तो फिर अंपायर ने नॉट आउट भी दिया तो फिर आउट होना चाहिए, और अगर नॉट आउट दिया है नॉट आउट ही रखना है तो फिर यानी क्या हुआ भाई जान क्या हुआ बस मैच हार गए भाई। सब पाकिस्तान देखिए हमारे साथ ही ज्यादती करोगे क्या डीआरएस ये कहां से मुझे इसमें चाहिए जो यार ये हमारा साउथ अफ्रीका ने पकड़ के हम वर्ल्ड कप से बाहर हो गया बोरी भी सारा बंद करो इनको पाकिस्तान भेजो। पहले जब मैच होता था ना इंडिया के साथ हमारा मैच होता था तो इंडियन को भी थोड़ा डर होता था कि यार पाकिस्तान अच्छा खेलेगा हम हार जाएंगे, लेकिन अब वो कहते हैं कि जी हमें पहले पता होता है कि पाकिस्तान ने हार जाना है। जो जवान लड़का एक रो रहा है भाई जवान हम क्या बोले यार हम नहीं रो रहे हमारी नींदें खराब कर दी अब कल तक नींद नहीं आई। इसके आंसुओं का हिसाब कौन देगा, इसका इंसाफ इमामुल हक देगा और उसका चाचा देगा क्या नाम है इंजमामुल हक दाढ़ी रख के बगैरत बारिश करता है यार ये बगैरत है ये लोग इनको दाढ़ी रखनी नहीं चाहिए दाढ़ी वालों की बेइज्जती है ये लोग गालियों का ही काबिल है भाई क्यों गिरा रहे अपने बाप को उसे नहीं हो रहा अपने बाप को नहीं गिराने हमारी टीम आती है एयरपोर्ट पे उनका जनाजा आएगा ऐसा हमें इनका जनाजा लेने जाओ पाकिस्तानी को मीरा मंडी में भूले रहेंगे तुम जनाजे की बात कर लो हम मीरा मंडी तो क्या इसके शटे पे भी लाने तैयार वीडियो में ही खत्म कर रहे हैं आप खत्म करो या नहीं करो ना मेरा आखिरी पैगाम पाकिस्तानी कौन कहना सब सोशल मीडिया पे मिसबाह को लानत भेजो इनके ऊपर पीसीबी से अभी भी हाथ जोड़ के बोलता यार खुदा की कसम बाबर आलम को कभी कैप्टनसी में नहीं लेना यार ये सीरीज तो मरवाया यार हम लोगों को यार क्या हो रहा है यार इस क्रिकेट टीम में यार ये लोबी है ये मजाक है कोई यार क्रिकेट है यार कैप्टनसी टफर कर कैप्टनसी है चालू लोग ये लोग घरों से लोग आ जाएंगे। शुक्रिया आप सबका बहुत बहुत हमारी दुनिया में इससे बड़ी बेइज्जती कोई नहीं है इंडिया में हम दलील क्या है हम नंगे हो क्या है हमारी औकात यही है हम बिकाऊ कौम है और कुछ नहीं है हमारी हम पर्चियों पे खेलने वाली कौम है हम और कुछ नहीं है इससे ज्यादा कुछ नहीं है थोड़ा हौसला रखो खत्म क्या हौसला रखो अगले मैच मैच में कोई नहीं देखेगा कोई नहीं देखेगा अगले मैच मैच मुर्दाबाद मुर्दाबाद ये सारा नारा लगाओ बाबा आजम इमाम मुर्दाबाद इनके ऊपर लाना जिंदगी करना नहीं करना नहीं पूरा पूरा चलाना अगर थप्पड़ है ना इमाम के ऊपर लाना थे इंजमाम के ऊपर लाना थे बाबा आजम के ऊपर लाना थे जो इस टीम को लेके गए इंडिया में हमारी शलवार उतर रही है इससे बड़ी बेइज्जती नहीं होती चाहिए इनको इनको लटकाओ लाके लटकाओ दो फांसी पे लटका दो उम्मीद तो नहीं है लेकिन ये तुम चला देना एकदम है तो तुम्हें हम आगे तीन मैच बड़े हैं जीते भी है कोई फायदा नहीं तो जीतने जीत नहीं सकते जिस तरीके से हम पहले हार चुके हैं कोशिश भूल की थी लेकिन आप बात कर रहे थे कि आप हंस रहे हैं ऐसे वैसे लेकिन हम ये दिल पे भी नहीं लगा सकते ये तो किस्मत नसीब की बात थी उनका लक नहीं था लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से फुल कोशिश की थी स्ट्रगल की थी उन्होंने ये नहीं कि स्ट्रगल नहीं की थी स्ट्रगल की थी उन्होंने लेकिन नसीब में नहीं था बस यही बात है और हम कुछ बात नसीब की है या एफर्ट की बात है कि पाकिस्तान अगर इतनी जान पिछले मैचों में लगाता तो कुछ ना कुछ आज नजर आ रहा था कि एंड में पाकिस्तान ने कुछ जान लड़ाई है मैच जीतने की कोशिश की है इसी तरह पिछली टीम पिछले टीम के ऊपर चार चौथी लगातार हार मिली है आपको वर्ल्ड कप में तो पकड़ तो शर्म कर लो थोड़ी सी कब अच्छी क्रिकेट खेलोगे मेरे घंटे का किंग ये जो मेरे घंटे का किंग है ये जो मेरे घंटे का किंग है मेरे इतना कोई फारक किस्म का ये कप्तान है फारक किस्म का कप्तान है इसको ये नहीं पता कि स्लिप भी लगानी होती है ये मेरे घंटे का किंग है सिर्फ इसके अलावा कुछ नहीं है पकड़ के ना एडम मार्कम ने डंडा दे दिया डेविड मिलर ने डंडा दे दिया साउथ अफ्रीका ने डंडा दे दिया इनके अंदर ये घंटे का बच्चा इन्होंने ज्यादती की पाकिस्तान के साथ और ठुकवा दिया हमें हरवा दिया हमें ये और बनाओ मेरे घंटे का कप्तान या मेरे घंटे का और कप्तान बनाओ उसकी जिस जगह बॉल लगी जो इंपैक्ट हमने देखा उधर से नेक्स्ट टाइम उसका नजर आता है ये रिप्ले हमें स्लो मोशन में मिले हम क्लियरली देख सकते हैं कि नेक्स्ट टाइम पे आपको नजर आता है तो क्लियरली फिनिश होनी चाहिए थी हमने इस टूर्नामेंट में अभी तक दो तीन दफा ऐसे ही डिस्कस किया अब ये देखिए नेक्स्ट टाइम नजर आ रहा है क्लियरली आउट है अंपायर को आउट देना चाहिए था उसके बाद रेफरल जाता और रिव्यू होता तो फिर देखा जाता जो भी हो रहा था बट जो क्लिपिंग दिखाई गई है मैं क्लिपिंग भी मैं समझता हूं किसी गलत दिखाई गई है क्योंकि क्लिप होता जा रहा है बट ये पूरा नेक्स्ट टाइम का बॉल हिट हो रहा था फुल बॉल हिट हो रहा था ना ये क्लिपिंग जस्ट बैड लक देयर बाय स्कोर थ्रू आउट दिस वर्ल्ड कप ऐसे आउट अंपायर दे रहे हैं लेकिन ये मुझे ऐसा लगता है मैच हारने की वजह से रोना बनता नहीं क्योंकि पहली दफा तो हारे नहीं है अभी दो दिन पहले अफगानिस्तान से हारे चार दिन पहले इंडिया से हारे उससे पहले भी हारे तो इसमें रोने वाली क्या बात है बस यार दिल बर्दाश्त कर दिया पाकिस्तान टीम ने ठीक है अब मैं पाकिस्तान छोड़ के जा रहा हूँ अच्छा पत्तों की जा रहा हूँ नहीं ये आप मजाक कर रहे हैं या वाकई में आप परेशान हैं बहुत परेशान रूल खत्म क्यों नहीं होता अगर विकेट में हल्का सा भी लग रहा है तो वो आउट है तो क्रिपिंग है और बाबर आजम के ग्लव में बॉल कब लगी थी उसमें तो टाइम आउट हो गया था उसे 15 सेकंड के बाद रिव्यू लिया टेंबा बंगुमा ने वो आउट भी नहीं उसे ग्लव से इतना दूर है आपने फेयर टैग शो करके बाबर को भी आउट कर दिया ये मैच में किया गया दो डिसीजन गलत गए पाकिस्तान के अगेंस्ट गए इरफान पठान हरभजन सिंह मान रहे हैं आपके फॉर्मर प्लेयर्स इंडिया के प्लेयर्स पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं आखिर वो कह रहे हैं पाकिस्तान ठीक था पाकिस्तान जीता हुआ था ये मैच बीसीसीआई और आईसीसी के डिसीजन रिव्यू सिस्टम ने पाकिस्तान को हराया बाहर करने के लिए वर्ल्ड कप से ताकि पाकिस्तान ना रहे वर्ल्ड कप में आप लोगों ने हमारे साथ ज्यादती की है दैट इज इट मैं इस पे और बात नहीं करूंगा आई नीड आंसर मुझे वीडियो शेयर करके और कमेंट करके पाकिस्तान और इंडियन फैंस दोनों बताएं या आईसीसी और बीसीसीआई ने क्यों किया हमारे साथ भी
need answers. आपके फॉर्मर प्लेयर्स कैसे कह रहे हैं, आपका एक्टर कैसे कह रहे हैं, आयुष्मान खुराना पाकिस्तान के प्लेयर्स कह रहे हैं, पाकिस्तान की टीम सबको होता है और इनसे मतलब नो डाउट ये थोड़ा सा एक्ट कर रहे होंगे या जो भी कर रहे होंगे, लेकिन अंदर से दुख हरे को है। मुझे बताए मैच हम हारे, ठीक है हार जीत होती रहती है, नो डाउट पाकिस्तान की जो सिचुएशन है हार हार ज्यादा चल रही है, जीत जीत कम चल रही है, लेकिन अफगानिस्तान वाले इस हमारी हार पे थोड़ा सा सेलिब्रेट करते नजर आए, उनके यूट्यूबर हो या ओवरऑल उन्हें जो उन खुशी की वजह क्या आप समझते हैं? जिनको हमने खुद मैच सिखाया है उन्होंने हमें हरा दिया, इससे मायूसी वाली कौन सी बात? हमने यही बोया है गुज़िश्ता 4 साल में, हमने यही बोया है पाकिस्तान में क्रिकेट का सत्यानाश होता रहता है, लोग अपने मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करके खामोश रहते हैं। इमरान खान साहब ने महकमा जाति क्रिकेट बंद किया, आपके पास बैकअप नहीं है, प्लेस नहीं है, पाकिस्तान में क्रिकेटर की 97% से ज्यादा अक्सरियत जो है वो खामोश है कि स्किप नाराज हो जाएगा, हम नहीं बात करेंगे तो भुगते, आपके पास प्लेयर नहीं है, चिराग लेके ढूंढे बाहर कहां भी आपके प्लेयर। 4 साल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कोई पूछे एहसान मानी साहब से, और जो लोग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में उस वक्त काम कर रहे थे डेवलपमेंट पर क्या काम हुआ है? और भाई आपके पास एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं है, आपके पास स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं है, आपके पास मिडिल में कोई बैट्समैन नहीं है, क्यों उमर अकमल को 4 साल से बाहर रखा हुआ है, क्यों शाह मसूद को जब वाइस कैप्टन बनाया था उसको प्लेइंग 11 में शामिल नहीं किया गया, क्यों आपको अचानक से याद आया कि सऊद शकील पाकिस्तान की इस टीम में आना है? दुनिया में ऐसे वर्ल्ड कप जीते जाते हैं, आपको पता नहीं है आपके मिडिल ऑर्डर पे नंबर 4 पे किसने आना है, नंबर 5 पे किसने आना है, नंबर 6 पे किसने आना है, ऐसे हमने हवा बनाया हुआ है, बाबर 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 आजम वो ये वो, भाईजान आप जब बनाया गया था उस दिन उठा के देखें आप यूट्यूब पे मैंने क्या कहा था, मेरा कभी भी फेवरेट कैप्टन नहीं है। देखें पाकिस्तान के साथ आपने पूछा गलत क्या हुआ, पाकिस्तान ने ठीक क्या किया इस वर्ल्ड कप में, पाकिस्तान ने जो बोया था वो काट लिया, ठीक है आपकी टीम ने जब हर मैच में 240-50-60 के गिर घूमेगी आपको आखिर तक ये पता ना लगे कि आपने बैटिंग किस तरीके से करनी है, आप हॉलैंड के खिलाफ ऑल आउट हो जाएं, आप ऑस्ट्रेलिया इंडिया और आज आप साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी ऑल आउट हो जाएं, और आप ये कहें कि हम वर्ल्ड कप जीतने के लिए गए, इस वर्ल्ड कप में टीमें 400 कर रही हैं, आपको 300 दूर करते हुए मुसीबत पड़ जाती है, आपके कप्तान को यह पता नहीं चलता कि मैंने विकेट लेकर मैच जीतना है, उन्होंने आखिरी विकेट के ऊपर भी तरेश शमसी के ऊपर स्लिप लगी हुई थी, शाहीन अफरीदी स्लिप में आउट हुए हैं, और जब उनके टैलेंट्स खेल रहे थे आपके स्पिनर्स कहां पे थे, और जब आपके स्पिनर्स स्लिप क्यों नहीं थी, आपके फास्ट बॉलर जब आखिरी बल्लेबाज बैटिंग कर रहे थे स्लिप क्यों नहीं थी, ये किसने फैसले करने होते हैं ना, कप्तान ने करने होते हैं ना, तो कप्तान कहां पे है पूरे वर्ल्ड कप।